सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सब का एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है गाइस यहाँ पे डिंकम का एक और नया एपिसोड। वैसे डिंकम के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमारा जो मुर्गी फार्म है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। और हमारे फार्म में जो ना गाइस हर तरफ आपको अभी फिलहाल के लिए मुर्गियां ही मुर्गियां दिखाई देगी और अंडे ही अंडे दिखाई देंगे। और आज जो ना गाइस मैं यहाँ पे जो बीन्स है फाइनली बड़ी हो चुके हैं, उन बीन्स को हार्वेस्ट करके बेचने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि टोटल कितना पैसा जो ना गाइस अपन को यहाँ पे वो सारी बीन्स जो है ना बेचने से मिलता है। वैसे गाइस आज का जो एपिसोड है डिंकम का, शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एनी और हमारे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। तो चले गाइस डिंकम के आज के एपिसोड की शुरुआत करते बिना किसी देर से। वैसे मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये जो हमारा लल्लू है वो खाएगा क्या, क्योंकि वो जो है ना ये चारा खा नहीं रहा यार, बोल रहा है मेरे को घास फूस नहीं खानी है। लल्लू कुछ पेड़ शेड खाएगा क्या? पेड़ प्लांट कर लो यहाँ पे, पेड़ प्लांट कर लेता हूँ। क्या बता पेड़ 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 कैसे खाएगा भाई लल्लू? लल्लू तो मेरे को ये भाई वैसे कौन सी प्रजाति है समझ नहीं आ रहा, ये पेड़ शेड खाएगा? मैं कोने में थोड़े से पेड़ जो है ना कहीं वो प्लांट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ क्या पता कहीं पेड़ शेड खा जाएगा जो लल्लू अपना। खाया तो अच्छी बात है ना, बनाना और वो भी लगा देता हूँ। ठीक है दो दो लगा देता हूँ, ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। ओके मतलब एकदम भाई ऐसा घटिया नहीं लगना चाहिए ना गाइस, दो दो लगा देता हूँ खाली। ठीक है चलो चलो बेटा, देख वो पेड़ भी लगा रखे, अगर खाने हो तो खा लेना, बाकी मेरे को बता नहीं गाइस कि हमारा लल्लू क्या खाएगा भाई। चलो रुक जाओ अभी मैं जो ना, अरे यार बीन्स को हार्वेस्ट करना है भूल गया। और यहाँ पे जो ना गाइस भाई 20 टोटल तेरे भाई के पास बाहर आ चुके टीन के, कितना 20 ना मेरे भाई। और अभी अपन ने पिछले वाले एपिसोड में ना पूरा भाई माइनिंग ही नहीं करा, मैं मर गया उस रीजन से मैं भाई जल्दी जल्दी भगा। अगर मैं मरता नहीं तो मैं और भी ज़्यादा और लेके आता और भी ज़्यादा रूबी लेके आता यार यहाँ पे। चलो अभी तो भाई रुक जाओ यहाँ पे, सबसे पहले डाल देता हूँ ये कॉपर पिघलाने के लिए। और बाकी अभी मैं हार्वेस्ट करने वाला हूँ सारे के सारे अपनी बीन्स को भाई। ठीक है भाई देख रहा हो, बीन्स ही बीन्स ना मेरे भाई, 17 कितनी मिल रही है एक में से? एक से मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसकी टोटल कितनी बीन्स जो है जो मिल रही है। रुकना मेरे को सारे के सारे बीन्स जो है जो उठाने दो यहाँ पे। हार्वेस्ट 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 अंकल जी हार्वेस्ट, हाँ दे दो सारी बीन्स दो। कितनी मिल गई भाई? 57 वैसे मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा महंगी जो है ना बिकने वाली अपनी बीन्स। और अभी जब से अपन ने भाई वो स्केयरक्रो लगा रखा है ना, कोई भी यहाँ पे आता ही नहीं है। अरे यार इस तरफ भी थोड़ी सी बीन्स गिर रही है ना, हाँ भाई उठा लेना, अभी उस तरफ जाना पड़ेगा भाई। सारी बीन्स तेरा भाई हार्वेस्ट करेगा सारी की सारी। और मेरे को लल्लू को खाने के लिए जो ना कुछ मतलब देना पड़ेगा, देखता हूँ मैं लल्लू जो ना कहो अपना क्या खाएगा। वैसे भाई यहाँ की सारी बीन्स हार्वेस्ट कर ली क्या? हाँ इस तरफ की हार्वेस्ट करना बाकी है। ठीक है उठा लेता हूँ भाई, कितनी सारी बीन्स है बाबा, दबा के बीन्स पड़ी हुई है। और अभी जो ना कहीं यहाँ पे कोई भाई पानी भी डालने के लिए नहीं आता, क्योंकि पानी डालना जो रहेगा अभी उनके बस की बात नहीं फिलहाल के लिए। ओके ऊपर ऐसा चढ़ चढ़ के डालना पड़ता है ना, तो अभी कोई भी अपने भाई इस फार्म में पानी डालने नहीं आता, तो पानी भी नहीं डालने का काम मेरे को अकेले ही करना पड़ता है भाई। अभी क्या हुआ, कहीं कहीं पे बची हुई लग रहा है, हार्वेस्ट का ऑप्शन। हाँ रुक जाओ भाई, हर एक बीन जो है ना वो निकालूंगा मैं यहाँ से, हर एक बीन। रुकना कोई भी बीन जो है ना तो छूटनी नहीं चाहिए। ओके मेरे हिसाब से सारी की सारी बीन्स जो है ना गाइस वो तो मैंने हार्वेस्ट कर ली है यहाँ पे। अभी मैं फटाक से उठा लेता हूँ टोटल कितनी बीन्स अपने पास हुई ना देख लेता हूँ। और 3 दिन में जो है ना गाइस यहाँ पे वापस से बीन के जो पौधे हैं ना गाइस वो बड़े हो गए, हमको बीन्स दे देंगे। वैसे बड़े ही है, बीन्स वापस से इनके ऊपर रुक जाएगी। टोटल अपने पास बीन्स जो है ना गाइस वो इकट्ठा हो चुके हैं 245। ओ माई गॉड, इनको बेच डालो भाई। 200 लेके आए 200 बीन, मेरे को बता एक बीन का कितना देगा, एक बीन का कितना देगा बता? 300 दे रहा है। अरे बाप रे खतरनाक। ओके ठीक है ठीक है ठीक है सेल। अगर मैं 200 बेच देता हूँ तो सारा खर्चा निकल आएगा क्या अपना भाई? जितना मैंने खर्चा गाइस इन बीन्स के ऊपर करा था ना गाइस, लगभग 90,000 या फिर 1,00,000 डिंग्स, वो सारा का सारा खर्चा यहाँ पे जो ना गाइस निकल के आ चुका है भाई। ठीक है भाई खतरनाक यार। अभी रुक जाओ वापस से पानी डाल देता हूँ। ठीक है एंड यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर जो ना गाइस वो भी पिघलाने के लिए डाल देता हूँ। ठीक है कॉपर को पिघलाना भी तो जरूरी है ना मेरे भाई। वैसे सीमेंट, रुक जाओ सीमेंट बनाने के लिए डाल दूँ, मेरे पास थोड़ा सा जो ना गाइस यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है उसका सीमेंट भी बनाने के लिए डाल देता हूँ। ठीक है चलो बाकी अभी यहाँ पे पानी डालने का काम कर लेना मेरा फटाफट से। गाइस
पानी डाल के यहाँ पे हो चुका है। एंड अभी मैंने जो भी मेरा स्टोन बीन था ना गाइज, वो यहाँ पे देखो गाइज सीमेंटिंग बैग्स में जो ना गाइज कन्वर्ट कर लिया है। और अभी अपने पास ना एकदम भर के सीमेंटिंग बैग, उसके बाद कॉपर और टीन है भाई। देख रहे हो मजाक हो रहा है क्या ब्रो? अभी गाइज यहाँ पे मेरे को एक और काम करना है। बताया क्या काम? मेरे को देखना है कि लल्लू खाता क्या यार। भाई क्या खाएगा पेट लल्लू? रुक जाना, मैं पेट शॉप जागता हूँ और देखता हूँ कि पेट शॉप में मेरे को क्या मिलता है गाइज। वेट अ मिनट, ए भाई पेट शॉप वाले अंकल, वो ये लल्लू खा क्या खाएगा क्या बताओ ना मेरे को। वॉम्बैट जो है, एक मिनट रुक जाओ, इससे मैं पूछता मैं। आई वॉन्ट टू चैट, लेट्स टॉक, ओके। अबे वो नहीं मेरे को वॉम्बैट, भाई ये क्या खाएगा? वॉम्बैट जो है भाई, वॉम्बैट जो है, शी इज क्यूट राइट? इफ यू गॉट गुड होम फॉर हर शील ऑल यूअर्स, आई गिव हर होम, ओके ठीक है। इसका नाम क्या है? जॉर्डन है? नहीं नहीं भाई, इसका नाम रखेंगे अपन, इसका नाम रखेंगे, रुक जाना शीला, ये अपनी शीला रहेगी ठीक है। चलो आ जाओ, लेट्स गो। ओ मुर्गिया, मुर्गिया भी खरीदनी है अपन को। वैसे लेके तो जा रहा हूँ बट मेरे को बता नहीं यार ये खाएंगे क्या। वॉम्बैट जो है ना, मैं देखता हूँ कहीं थोड़ा गूगल करके वॉम्बैट जो है जो ना कहीं जो खाता क्या है। और ना लुढ़क जाएंगे यार ये लोग दो, यहाँ पे मर जाएंगे ऐसे फोगड़ में। रुकना थोड़ा सा भाई, यहाँ पे ना एक और क्रॉप लोड ले ले, खरीद ले ठीक है। हाँ एक और क्रॉप लोड खरीद ले, देन यहाँ से दो मुर्गियाँ और खरीदेगा अपन ठीक है। ओके ओके कुछ भी नाम दे दे भाई। ओके टाई, हाँ ठीक है चलो, ठीक ही नाम है, ठीक ही नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भाई अपने पास इतनी ज्यादा मुर्गियाँ हो चुकी है कि हर एक का नाम जो है अपन याद नहीं रख सकते, वो बात है गाइस ठीक है। यहाँ पे भाई डाल देता हूँ इसको, ये ले भाई एक और मुर्गी का बच्चा जो है ना कुछ वो लेके आ जाता फटाफट से। एंड उसके बाद जो है ना मैं थोड़ा गूगल करके आऊंगा और देखूंगा कि वॉम्बैट जॉय जो है ना डिंगम का वो एक्चुअली में खाता क्या है गाइस ठीक है, वरना गाइस वो ऐसे मर जाएगा गाइस बेचारा भूखा रह रहे के। अबे रुकना भाई, हाँ ठीक है चलो लेट्स गो, काम पच्ची से ना मेरे भाई, लेट्स गो। तो गाइस हमारे पास आप जैसे कि देख सकते हो बहुत सारी मुर्गियां जो है ना गाइस वो आ चुके हैं यहाँ पे ठीक है। थोड़ा सा खाना पीना डाल देता हूँ, बाकी ये जो है गाइस एक क्रॉप लोड भी यहाँ पे लगा देता हूँ ठीक है, ताकि सारे मुर्गियों को खाना मिलता रहे गाइस ठीक है। हाँ भाई खाते रहो नो प्रॉब्लम हो। अच्छा तुम्हारे लिए खाने का जुगाड़ करता हूँ, रुको रुको मैं देख के आता हूँ कि ये खाते क्या है वॉम्बैट जो है। गाइज मेरे को पता चल गया कि ये क्या खाते है एक्चुअली में जो है ना गाइज, यहाँ पे रुक जाओ, ये ग्रास सीड है क्या? ग्रास सीड में यहाँ पे लगा लूँ, रुक जाना गाइज। ये लोग जो है ना गाइज इनका अलग ही सीन है भाई, ये जो वॉम्बैट है ना ये बेबी वॉम्बैट है, ये जब गाइज यहाँ पे बड़े हो जाएंगे ना, एक बार ये लोग बड़े हो गए ना यहाँ पे, तो ये भाई हमको दुद्धू भी देंगे। और ये जो है ना गाइज ग्रास खाते है, अगर हमारे एरिया में ग्रास है तो हमको टेंशन लेने वाली बात नहीं है गाइज, ये बड़े आराम से ग्रास खा के जो ना गाइज वहाँ पे जिंदा रहेंगे। या फिर इनको जो है ना गाइज हम एक एक स्टॉल बना सकते हैं, रुक जाओ मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो ना गाइज मेरे को ये ग्रास जो है ना गाइज वो कैसे लगाते हैं मेरे को बता यार। ग्रास लगाने के लिए मेरे को सेम बाई टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करनी पड़ेगी क्या? मतलब लाइक ऐसे ये कर लो, इसके अंदर भाई ग्रास डालो, देन उसके ऊपर ये से लगा डालो तो ग्रास उग जाती है क्या? पता नहीं भाई, बताए ग्रास उगे कि नहीं भाई। अभी फिलहाल के लिए जो ना कहीं ये मेरे को निकाल देना है। अबे इनको निकाल दो ना यार, अबे ना यार मैं इनको तोड़ सकता हूँ, खाली निकाल नहीं पाऊंगा शायद ठीक है। रुक जाओ ये छुटकुआ वालों को तोड़ देता हूँ मैं। ओके भेज गया, टूट जा रे, टूट जा भेज गया, टूट जा टूट जा, हाँ तोड़ देता हूँ। नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे को चाहिए नहीं बाबा, जरूरत ही नहीं है गाइस अपन को ठीक है। ये ग्रास खा के जो ना कहीं जिंदा रह जाएंगे, और इनके लिए मेरे को एनिमल स्टॉल जो ना कहीं वो बनाना पड़ेगा। रुको 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 रुको, इनकी केयर तो करनी पड़ेगी, अभी बाय करा है ना तो केयर तो करनी पड़ेगी। भाई रुक जाओ ये क्या हुआ? ओके ठीक है कलेक्ट कर लेता हूँ सब कुछ। भाई मेरे को जो ना कहीं लेवल 3 का हैंडलिंग लाइसेंस जो ना कहीं वो लेना है, उसके लिए मेरे को थोड़े से पॉइंट्स भी जमा करके रखने हैं। थोड़ा खाना खा लेता हूँ, भूख लगी है, और मैं देख लेता हूँ कि जो एनिमल स्टॉल है वो बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए। वैसे वो अनलॉक हो चुका है मेरे को इतना पता है ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? ये वाला ना बर्ड कॉप नहीं, ये वाला, हाँ ये वाला चाहिए। सो इसके लिए आयरन बैन फलाना ढिलाना नेल्स बिल्स टिन शीट दो चाहिए होगी। एक काम कर ले टिन शीट दो चाहिए होगी, और बाकी क्या चाहिए भाई मेरे को बताना। ये जो ना कहीं मेरे को दो बना लेने, मैं दो बना के अंदर साइड ही लगा दूंगा। इसके लिए मेरे को नेल्स ओके ठीक है, हार्डवुड आयरन बार तो 3 भाई ठीक है चलो, आयरन बार 3 नेल बिल्स एंड भाई प्लैंक बिंग चाहिए थोड़े से ना। सो भाई मैं देख लेता हूँ कि अपने पास ये क्या कुछ आ रही यार। ओ नेल्स है तो एक ही है, लेकिन भाई इतना ज़्यादा नेल्स नहीं है अपने पास ठीक है। मैं इस वाले बक्से में देखता हूँ क्या है। हाँ भाई चीन नेल मिल गए, हार्डवुड ब्लैक मिल गया, बाकी तो ये भाई आयरन लेके रख देता हूँ। आयरन बार मेरे पास 2 ही पड़े हुए हैं, या भाई 6 आयरन बार पड़े हुए हैं। ये प्लैंक ले ले बेटा, और बाकी और कुछ है? बाकी तो और कुछ लग नहीं रहा यहाँ में से। हाँ ये वाली एक चीज़ चाहिए, ये 3 दे दो, ये दे दो,
ओके ये जो गाइस सारे के सारे भाई चीजें ना गाइस वो अपन अलग अलग करके रख देंगे, समझ रहे हो। वेट अ मिनट, और कुछ चाहिए क्या? और इसमें से तो मेरे को मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं चाहिए ना। हाँ अरे एक मिनट रुक जाओ, इसमें इसके अंदर नहीं, इसके अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है कहाँ पे, इसके अंदर ही है क्या? अच्छा वो मेरे इन्वेंट्री वाला दिखाई दे रहा है, ये टर्फ चाहिए होगा ना गाइज, और बाकी तो कुछ नहीं है यहाँ पे। डन चलो आ जाओ, इसके अंदर देख लेता हूँ मैक्सिमम सामान जो ना गाइज वो अपने पास आ चुका है। थोड़ा सा सामान बनाना बाकी है गाइज, मेरे को खाली टीन शीट और नेल चाहिए भाई। ठीक है एक काम कर लेता हूँ, टीन शीट तो बना लूंगा, पहले नेल्स बना लेता हूँ। ठीक है टीन शीट समझ लो बन गई गाइज यहाँ पे, ठीक है ये ले बेटा टीन शीट बन गई। अबे यार लेकिन दो, अरे यार दो बना पाऊंगा क्या? एक तो बना लूंगा, क्या दूसरी वाली बना पाऊंगा? दूसरी वाली के लिए मेरे को हार्डवुड प्लैंक चाहिए होगा, टीन शीट दो चाहिए और नेल्स बाय एक मिनट रुक जाओ, नेल्स बन गई एंड टीन शीट दो चाहिए होगी ना, ये लो टीन शीट दो बन गई। बाकी और क्या चाहिए बताऊँ? हार्डवुड प्लैंक और ये स्नीप नर्फ समथिंग कुछ चाहिए, ये तो अपन को उधर मिल जाएगा ना गाइज, क्या बोलते हैं जंगल में नहीं डेजर्ट में मिल जाएगा। और हार्डवुड जो है ना गाइज वो भी तोड़ के लेके आना है। ठीक है पहले एक लगा देता हूँ, उसके बाद दूसरा वाला लगा दूंगा। ये जो ना गाइज ये हटा दूँ क्या यहाँ से, पिकअप कर ले अंकल। हाँ ठीक है, बाकी ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है हाँ जी, इसके अंदर ही लगेगा, ऐसे नहीं लग रहा क्या एकदम, मतलब ऐसा आगे साइड आके लग रहा है क्या? रुकना रुकना, इधर लगा देता हूँ फिर इधर। हाँ हाँ जी, अरे इधर इधर मुँह करके। हाँ हाँ जी, टड़ा, ए ये तुम्हारा घर रे, तेरा घर ये देख देख देख, रुक जाओ इनको पेड कर लेता हूँ लल्लू को। अले ले ले लल्लू, तेरा नाम क्या? अले ले शीला। चलो गाइज लेट्स गो, अभी इन दोनों के लिए अलग अलग घर बना रहा हूँ, एक ही में की। और गाइज यहाँ पे रुक जाओ, मेरे को कुछ चीज़ें ये बनाने के लिए चाहिए होगी, वो फटाक से लेके आ जाता हूँ भाई। आज तो हमारे जो ना लल्लू और शीला के लिए गाइज घर जो ना गाइज जो बना के रहेगा तेरा भाई। अभी मेरा बाइक कहाँ पे? अच्छा बाइक के तो टुकड़े हजारों हो गए थे ना, उसके बाद बाइक का गाइज रुक जाओ, गेम बच गया था और मेरे इन्वेंट्री में आ गई थी। रुको चलो गाइज फटाफट से चलेंगे, और मेरे को लग रहा है रात होने वाली गाइज, मेरे को ये काम करते करते। वैसे हार्डवुड ही रहा गाइज, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े। अरे एक मिनट रुक जाओ, हाँ हाय है, मेरे को लगा हार्डवुड तोड़ने के लिए मेरे पास एक्स जो ना गाइज वो नहीं है, बड़े अपने पास एक्स। ओके और यही से जो ना गाइज वो टर्फ भी जो होता है ना गाइज वो भी लेके चला जाऊंगा अगर मेरे को मिला तो। ये सारा का सारा हार्डवुड जो ना गाइज ऐसे तोड़ लेता हूँ मैं फटाफट सटासट से गाइज। तो गाइज जो वुड है गाइज वो मैं लेके आ चुका हूँ, और उसके खाली मेरे को प्लैंक बनाने का काम जो है ना गाइज वो आज यहाँ पे करना है। ओके लेट्स गो, डन 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 डन, चार और बचे हुए गाइज। एंड उसके बाद डेजर्ट में जाके जो ना गाइज मेरे को वो दूसरा वाला कुछ तो है ना गाइज, ड्राई ग्रास आई थिंक, वो लेके आना है खाली। ओके बाकी सारा सामान तुम्हारे भाई के पास पड़ा हुआ है, बस खाली ड्राई ग्रास लेके आना है। और मैंने गेम जो ना गाइज वो यहाँ पे सेव कर लिया था गाइज, वो मेरे को ना वापस से रुक जाना यहाँ पे पानी शानी जो ना गाइज वो डालना पड़ेगा गाइज अपने प्लांट्स को, वरना दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैं सबसे पहले ना यहाँ से ड्राई ग्रास लेके आ जाता हूँ, बट क्या मेरे को यहाँ पे ड्राई का ग्रास मिलेगी? मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और आगे मेरे को जाना पड़ेगा। ये वाले एरिया की ड्राई ग्रास मैक्सिमम शायद मैंने निकाल ली थी, मेरे को थोड़ा आगे और अंदर साइड जाना पड़ेगा डेजर्ट के, वही भी मेरे को जो ना गाइज सूखी हुई घास मिल जाएगी। ये रे गाइज उतना भी ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, पट्ट से भाई रुक जाओ इससे तोड़ देता हूँ। दो ही की जरूरत थी ना, ज्यादा की जरूरत नहीं थी इनको कुछ तो भाई, स्निफेक्स टर्फ कुछ बोलते हैं यार, मैं तो अपन तो इसको भाई ड्राई ग्रास ही बोलेंगे। वो थोड़ा सा और जो ना गाइस मेरे को यहाँ पे देख रहे हो टीन मिल गया गाइस, रुक जाओ टीन को जो ना गाइस निकालना जरूरी है। ओके वैसे अपने पास कितने बचे हुए टीन और? टीन और तो दिख रहे भाई 20 बचे यार, चार टीन और जो ना टोटल यहाँ पे खत्म हो चुके हैं इन एनिमल्स के लिए जो ना गाइस घर बनाने में। और मेरे पास ये कितने आ चुके? चार आ चुके खाली। ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फटाफट से गाइस घर पे पहुंचता हूँ। एंड वहां पे जो है ना मैं एक और जो भाई वो हमारा कौन था उसका नाम ही भूल गया यार, बड़ा सा भाई क्यूट सा भाई पांडा गेंडा जो भी है गाइस, ठीक है उसके लिए ना एक और घर अपन वहां पे बनाएंगे फटाफट सटासट से। इस क्यूट से पांडा के लिए यहाँ पे घर बनाएंगे अपन भाई, ठीक है। हेलो, अरे यार पेड़ भी बड़े हो गए यार अपने। ललित हो क्या? अबे चमनू क्या मुर्गी हो? मुर्गी चोर? अबे मुर्गिया कैसे माँ क्या मुर्गिया खाएगा मेरी मुर्गी चोर साला, इतने मेहनत से मैंने मुर्गियों को बड़ा करा था भाई, तू क्या ये सेब से भाग भेज गया आराम को? मुर्गिया कहाँ भागी? अबे यार जी बे कांड हो गए यार यहाँ पे तो भाई, वो दुलुंडा भग भग के जा रहा था भाई, भागो रे ऐसा करके भाई ललित गई का भाई दिमाग का दही कर दीज भाई फोकड़ में।
रुकना मेरे को यहाँ पे एक वो डालने दो। छी यार मुर्गियाँ भाई मुर्गी मेरी यार, ये एलिगेटर कहाँ से आ गया पता नहीं अचानक से। और एग्जैक्टली मुर्गियों के जो ना गाइस वो घर पे ही आ गया गाइस अटैक करने के लिए। छी भाई रुको, ये लोग खा लो रे, रुक जाना तुम्हारे भाई लोग और बहन लोग उधर भाई कहीं पे भग चुके हैं, उनको मैं लेके आ जाता हूँ वापस से। रुकना गाइस एक दो मुर्गियाँ जो है ना वो भग चुके हैं गाइस यहाँ से। भाई एलिगेटर आया भाई, लेकिन ये भाई दरवाजा कैसे, एलिगेटर ने अपने आप खोला गया दरवाजा क्या, एलिगेटर ने अपने आप खोला ये समझ नहीं आ रहा मेरे को गाइस। ये दरवाजा ना गाइस वो खुला कैसे, शायद एलिगेटर ने अपना भाई मुंह मारा और तुरंत ही जो ना गाइस वो दरवाजा खुल गया भाई। ठीक है रुकना रुकना, ये मुर्गी को भी चुल मचती है भाई। रुकना इस मुर्गी को जो ना गाइस मैं भाई अंदर थोड़ा सा बुला लेता हूँ, उसके लिए मेरे को मुर्गी बुलाने वाले यंत्र की जरूरत पड़ेगी। अभी मुर्गी बुलाओ यंत्र ये रहा अपना, ठीक है रुक जाना, मुर्गी बुलाओ यंत्र की जरूरत पड़ेगी। एक काम कर लो, अरे मुर्गी ए मुर्गी कम हियर रुक जाना, इसको इधर बुला लेता हूँ। हाँ जी इधर आ, इधर आओ इधर आओ, रुक जाना ठीक है। ये ओपन करके इधर इधर, कमान आजा आजा, ए आओ रे सारी मुर्गियाँ, हाँ आजा, वेल डन। बंद भाई दरवाजा वापस से बंद। एक काली मुर्गी भी यहाँ से भगी है यार, कितनी मुर्गियाँ खाई, एक ही खाई है ना मुर्गी शायद, फिर बाकी की कहाँ पे चली गई मुर्गियाँ। एक काली मुर्गी तो इस तरफ कहीं पर भग भग के जा रही थी, नहीं देखा तो था इधर भगते हुए उसको, भाई वो गायब भी हो गई गाइस खत्म। अरे ये रही तो मुर्गियाँ, ओ इधर आओ रे, ये क्या फ्लेक, ये किसका पड़ा है पता नहीं भाई, ये किसका फ्लेक भी पड़ा, ए इधर आओ रे, ए ए इधर, ये मुर्गी इधर 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 आना 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 चल आना 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 आना, हाँ भाई हाँ भाई, टुक 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 बाद में करना, अभी दरवाजा तो ओपन कर ले दे अंकल, ओपन हाँ इधर इधर इधर, कम आ जाओ, ए चलो चुपचाप बैठो अभी वहीं पे। यहाँ पे कैसे थिंग लग रहा है मेरे को, मैंने किसी मेघला बिघला डाउन को मार दिया क्या, मैंने तो नहीं मारा यार, पता नहीं किसने मारा। चलो आ जाओ बाकी तो ये एक और अभी बन सकता है, बट मेरी पॉकेट यार फुल भाई, ठीक है रुक जाओ, मेरे को खाली पॉकेट अपने करने तो फटाक से। तो नेल्स ही अंडे गरम यहाँ पे डाल देता हूँ, ये भी डाल, डिस्क डाल दे, ये भी डाल दे, ये फिश मीट मिला है गाइस ये भी यहाँ पे डाल देता हूँ फिलहाल के लिए गाइस, ठीक है ये मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है आ जाओ फटाक से जो ना, अबे यार सामान डाल दिया ना लेकिन ये बनाने का, ये बनाने का सारा सामान मैंने बक्सों के अंदर फट दिया, क्या गुंडा बनेगा रे तू। ठीक है ये वाला चाहिए, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए था, ये टर्फ चाहिए था, बाकी तो कुछ नहीं चाहिए ना, बाकी तो मेरे हिसाब से नहीं चाहिए था कुछ, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ, चाहिए होगा तो भाई ले लेता हूँ, चाहिए तो सही कुछ भाई। ओ आयरन बार चाहिए यार, आयरन बार पाँच है अपने पास बड़े हुए, आयरन बार जो ना गाइस वो लेने के लिए मेरे को लग रहा है कि अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा वापस एक बार। ठीक है ये लो लेट्स गो, आ जाओ फटाफट से, अभी अपन लोग ना उसके लिए भाई एक और घर जो ना गाइस वहाँ पे लगा देते, वो पांडा टाइप दिखने वाले डायनो के लिए, डायनो नहीं यार अपने ये छोटे छोटे से क्यूट से एनिमल के लिए। ठीक है यहाँ पे एक लगा दूंगा, और बाकी तो यहाँ पे ग्रास भी डालनी है क्या, ग्रास भी डालनी पड़े, वो मिलेगी कहाँ से, एक मिनट रुक जाओ, ये ऐसा ये नहीं, ये यहाँ पे नहीं डाल सकता। ठीक है चलो नो प्रॉब्लम हो, अभी मुर्गियाँ जो ना कैसे अपनी सेफ है। एक काली मुर्गी भी भागी थी यार, मैंने देखा था यार काली मुर्गी को भागते हुए, बड़ा भग भग के भेज गया, कहाँ पे चले गए समझ नहीं आ रहा, 10 बज चुके हैं, अभी दे दे रे बाबा, दे 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 दे, हाँ जी हाँ जी 15,000, अरे पैसों की कमी है क्या तेरे भाई के पास बता, मार क्या, रुक जाओ मार लेगी, ठीक है मिस मार लेगी, रुक जाना मिस मार लेगी, ठीक है चलो आ जाओ, ओके ठीक है तो ये हमारी मिस मार लेगी है, ओके आ जाओ अभी इसको जो ना फटा, अबे यार एलिगेटर भाई रुक जाओ कुछ ज़्यादा एलिगेटर जो ना कैसे अपने भाई यहाँ पे आना चालू हो चुके लग रहा है, वो यहाँ का वो कहाँ पे चला गया, एक यहाँ पे एक प्लैंक जो ना कैसे मिसिंग है वो लगाना पड़ेगा वापस से, वो भी लगा लेता हूँ, पहले एलिगेटर जो ना कैसे जिनकी बैंड बजा देता हूँ, बेशक हमारे टाउन के ऊपर हमला करेगा, बेशक एलिगेटर अंडर है मैं, ठीक है देख देख चलना भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा, बस बेशक कुछ ना कर पाएगा, कल आना बेटा कल आना मशरूम वाला एलिगेटर समझाया तू खुद को, मशरूम एलिगेटर की भाई थोड़ी सी एबिलिटी होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाती है, बढ़िया एलिगेटर भेज गया अपना कुछ ना बिगाड़ पाएगा, बोल बेटा ओके एक मिनट रुक जाओ, मैंने गलती से उसको गलत जगह पे तो नहीं डाल दिया ना, वेट अ मिनट मुर्गियों के भाई इसके अंदर तो नहीं डाला ना उसको मैंने गलती से, अरे यार अभी इसको लेके कैसे जाओ, मैंने मुर्गियों के घर के अंदर डाल दी थी इसको, पेट मिया अरे यार इसको कैसे लेके जाओ, अभी इसको मतलब बुलाना पड़ेगा क्या कुछ ऐसे, मतलब ऐसा
नहीं तो मुर्गिया ही आ रही है, इसको कैसे लेके जाओ यार, इसको इसको उठा भी नहीं पाऊंगा ना गाइस मैं, इसको उठा भी नहीं पाऊंगा यार, इसको लेके कैसे जाना ये समझ नहीं आ रहा अभी मेरे को, ये मर जाएगा यार यहाँ पे फोकट में। एक काम कर लेते हो, इसको मार ही देता हूँ, छोड़ो छोड़ो गाइस भाई, इसको मार लेते हो, 15,000 जो है ना गाइस पानी में जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार इसको, इसको मार, इसको मार, इसको मार, मरता नहीं है क्या अपना पेट, अपने पेट को नहीं मार सकता क्या, पेट नहीं करना मेरे को इसको, मार देना है भाई, मार देना है, मार देना है, नहीं मर रहा भाई, छोड़ो गाइस, जो तो ना भाई भूख से ही मर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक और जो है ना गाइस मुर्गी का बच्चा लेके आ जाता हूँ मैं, ठीक है, वो भूख से ही मर जाएगा। नो, अरे एक मिनट रुक जाओ, ओ ये ना भाई विसल वाला, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने तो भाई जान बचा दी, मैं उसको मारने वाला था बेचारे को, भाई इसने इसने उसकी जान बचाई है गाइस, ठीक है, इसने उसकी जान बचाई है, वैसे कितने लगा सकता हूँ मैं, 3 ही लगा सकता हूँ ना, हाँ भाई ठीक है, ए क्या क्या लड़ मारो, लड़ मारो, सारी मुर्गियाँ इधर आएगी, सारी मुर्गियाँ इधर आएगी, चुपचाप खाना पीना बंद, चलो मुर्गियों, हाँ लंडे तू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर मुर्गियाँ देखना कैसे भोगने के लिए आ रही है, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, हाँ इधर इधर, फॉलो 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 कर लो भाई, ओ ओ ओ ओ वेल मछली समझाएगा खुद को, बेच के इधर आओ, आ जाओ 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 जाओ, कम 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 कम, डन 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 डन, हाँ अभी ये दरवाजा बंद, मांस दबे के रहना भाई, ठीक है, यहाँ पे 3 ही रखूंगा, मुर्गिया ज्यादा लेके आऊंगा मैं भाई, ठीक है, अपन को मुर्गिया ज्यादा चाहिए, बाकी तो ये वाले जो है ना गाइस इनके लिए मैं 3 ही घर बना सकता हूँ, ठीक है, इन तीनों के लिए 3 अपना अपना सेपरेट अलग अलग घर रहेगा गाइस, ओके, इन तीनों के लिए, अभी एक और घर बना सकता हूँ ना मेरे को, एक और घर बनाने के लिए और मटेरियल चाहिए होगा, आयरन की बहुत ज्यादा खपत होगी यार, आयरन उतना ज्यादा मेरे पास पड़ा नहीं है, 2 ही पड़ा है, और घर बनाने के लिए 3 चाहिए होता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यस गाइस घर बनाने के लिए 3 चाहिए होगा, टीन शीट अलग से चाहिए होगी भाई बहुत सारी, ठीक है, सो तो भाई बहुत ज़्यादा तुड़ुक जाम वाला काम हो जाएगा क्योंकि अपने पास उतना ज़्यादा आयरन जो रहेगा जो पड़ा नहीं है, ठीक है, सो अपन अभी फिलहाल के लिए कुछ कर नहीं सकते। अच्छा कॉन्डम डुम डुम है क्या, ये कॉन्डोंग बाई करके एक बेरी है अपने पास, कोई सीन नहीं, चलो लेट्स गो। तो गाइस अभी गेम में से मैं सेव करके भगने वाला था, बट गाइस अभी अपना जो ना गाइस यहाँ पे सारा का सारा जो ना गाइस ये है फार्म है ना वो स्वाहा हो जाता अगर मैं भग जाता ना अभी तो। अच्छा वो मैंने देख लिया कि इनको अभी तक मैंने पानी नहीं डाला, तो फटाक से गाइस बीन्स को जो ना गाइस पानी डाल देता हूँ, टडा पानी डाल के गाइस हो चुका है, मुर्गिया जो है ना गाइस वो भी अपने पास काफी ज्यादा आ चुकी है, और गाइस इनकी पॉटी है क्या वॉम्बोट पू, ये पूछे क्या करूंगा, ये भी किसी काम आती होगी गाइस फर्टिलाइजर वर्टिलाइजर बनाने के लिए मैं भी भाई, ठीक है इसको भी संभाल के रख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अपन ने भाई काफी ज्यादा खतरनाक वाली प्रोग्रेस कर ली यार, मेरा ये भाई मुर्गी फार्म देखे मैं काफी कुछ हूँ, ऐसी जो है ना गाइस जितनी यहाँ पे मुर्गियाँ हैं ना उतनी यहाँ पे जो ना गाइस ये वॉम्बोट जो है ना गाइस वो भी होनी चाहिए, तो फिर मजा आ जाएगा यार। चलो गाइस तो अभी जो है ना गाइस अपन गेम सेव करते हैं और मार देते कल्टी सीधा, क्योंकि अभी आज का जो एपिसोड है ना ये भी खत्म करने का टाइम आ चुका है। वैसे आज का जो एपिसोड है ना गाइस वो आपको कैसे लगा मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना, हमारा जो मुर्गी फार्म है वो भी कैसे लगा वो भी बता देना, और भेज गया कुछ एलिगेटर ने अटैक करा था ना भाई, वापस अटैक ना हो ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ खाली मैं, अगर वो अटैक वापस से हुआ ना मेरी सारी मुर्गियां मर जाएगी, क्योंकि मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ, मैं अपने घर पे होता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो अच्छी बात है कि बारिश पड़ रही है आज जो ना गाइस पानी भी नहीं डालने का कोई झंझट नहीं रहेगा। चलो तो फिर गाइस आज का एपिसोड ये पे खत्म कर लेते हैं, मिलते सीधा जब से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर आज का एपिसोड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मिलता अगले एपिसोड में, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook